हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल पे आपका बहुत बहुत नमस्कार है गाइस। जिन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसे तहे दिल से शुक्रिया गाइस। आज की रीडिंग है कि आपके लिए कौन से चक्रा बैलेंस हैं, यानी कौन से चक्रास आपको बहुत ही स्वस्थ, निरोग और बहुत ही हेल्दी रख रहे हैं, यानी आपके शरीर में वो कौन से चक्रास हैं जो आपको बहुत ही सुदृढ़ बना रहे हैं, सफल बना रहे हैं, सक्सेस बना रहे हैं। यहाँ पे टू ऑप्शन है गाइस, एक वाइट रंग का ऑप्शन है, एक ब्लैक रंग का ऑप्शन है। दोनों में से कोई एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके लिए कौन सा चक्रास जो है काम कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सफलता की तरफ लेके जा रहा है, सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, नाइन ऑफ रॉड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ रॉड्स। तो यहाँ पे आपके लिए रीडिंग निकल कर आई है गाइस कि देखिए, जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना है उनके लिए आ रहा है गाइस कि आपका जो विशुद्ध चक्रा है वो बहुत ज़्यादा संतुलन में है, यानी जो आपका विशुद्ध चक्रा है बहुत बहुत ज़्यादा संतुलन स्थिति में है। अगर ये संतुलन स्थिति में रहता है गाइस, तो आपका जो अंतर्मन है, जो सबसे शुद्ध चीज है, जो सबसे पवित्र है, यानी आपका अंतर्मन, आपका अंतर्मन जो है बहुत शक्तिशाली है, आपका जो अंतर आत्मा है, जो आपकी आत्मा है, उसमें बहुत तीव्र शक्ति है गाइस। और इस संतुलन के कारण ये और भी ज़्यादा अधिक एक्टिव है। तो इसको, जो आपके अंदर ये शक्ति एक्टिव है, उसको और भी अधिक आगे ले जाने का काम करिए, इसको सफल ले जाने का काम करिए, सफल बनाने का काम करिए, सफलता से आगे बढ़िए। और आप कम भी मेहनत करेंगे गाइस, इसमें आपको ढेर सारा लाभ मिलने वाला है। आपके जो सेंसेस हैं, सिक्स सेंसेस हैं, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड मिलकर आपके जो सेंस हैं, जो सोचने समझने की शक्ति को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, यानी आपकी तर्क शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति, आपको कार्य करने की शक्ति को बहुत ही आंतरिक शक्ति मिलती है। अगर ऐसी शक्ति आपके अंदर है, जो बैलेंस है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस और सफलता पा सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो गाइस। अपने हार्ड वर्क से, मेहनत से, अंतर्मन से आप इतने सच्चे हैं, इतने ईमानदार हैं कि आपको ईश्वर भी समझता है कि हाँ, ये बहुत ही लॉयल पर्सन है, इसकी हेल्प हमको करनी चाहिए। गॉड आपकी प्रेयर को सुनता है, ईश्वर आपकी भावनाओं को समझता है, तब आपको बहुत ज़्यादा संतुलन में रखता है, बैलेंस में रखता है, और आपकी शक्ति जो है गाइस बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंस है। ये आपको बहुत ही समझदार बनाता है, बहुत ही पावरफुल बनाता है। और इतना हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही सहनशील होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, निडर होते हैं, और सबके ख्यालों को, सबके ख्यालों को समझते हैं, सबकी भावनाओं को समझते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा ये सहनशील होते हैं। ईश्वर ने आपको इस तरह से बैलेंस किया है गाइस कि आप दूसरों की मदद करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। आप अगर कोई भी दुखी रहेगा गाइस, तो आप बहुत ज़्यादा दुख में आ जाएंगे और उसकी मदद आप तुरंत करेंगे। अगर कोई गरीब है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उसकी मदद तुरंत करेंगे। अगर कोई बीमार है, तो दवाई से, पैसे से, यानी आप किसी न किसी तरह से उसको आप हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि आपका अंतर मन जो है इतना स्पष्ट है, इतना सरल है, इतना साहसी है, इतना सच्चा है,
तो वो औरों की मदद जरूर करता है गाइज यहाँ पे। और यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि ईश्वर ने आपका अंदर जो भी चक्रास बैलेंस में रखें, उस बैलेंस के द्वारा, उस संतुलन के द्वारा आप अपनी भी सहायता करते हैं, साथ साथ दूसरों की भी सहायता करते हैं। आप में वो शक्ति है गाइज जो पुरानी मान्यताओं को तोड़कर एकदम नई मान्यताओं को लागू करने की ताकत आप रखते हैं, यानी पुरानी चीज़ों को छोड़कर नए नियम, नए चीज़, नए कानून बनाने की भी ताकत रखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिया जा रहा है कि आप अपना भी ख्याल रखते हैं और दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। आप में इस चक्रा के बैलेंस होने से आप में इंसानियत, सहयोग, प्रेम बहुत कूट कूट कर भरा रहता है गाइस आपके अंदर। आप थोड़े से क्रोधी हो सकते हैं, थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन ये है, ये गुस्सा खराब कामों के लिए होता है। आप अगर, यानी कोई आपको गुस्सा दिलाएगा तो बहुत तेज़ी से गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्सा भी बहुत जल्दी से शांत हो जाएगा, शांत हो जाएंगे, हर्मिट मूड में आ जाएंगे। और आप लोगों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, और साथ ही साथ अपने अंदर वो बैलेंस की शक्ति बनाकर सिक्स सेंस से बहुत आप काम करते हैं। अगर मान लीजिए सबका इस कार्ड में तो आया है कि एनर्जी बहुत बैलेंस दिख रही है, बाय चांस आपकी अगर बैलेंस नहीं है, आप थोड़ा सा भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में तकलीफ़ होता है आपको, या सहयोग करने में तकलीफ़ होता है, या तो आपको समझ में नहीं आता है, सही निर्णय नहीं ले पा रहे गाइस, तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आप योगा करें, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं, थोड़ा सा योगा करें, मेडिटेट करेंगे तो अगर आप, किसी किसी को ये रेजोनेट होगा गाइस, अगर मान लीजिए विशुद्ध चक्रास आपका नहीं उतना बैलेंस है तो बैलेंस में आ जाएगा और आप बहुत बहुत ज़्यादा फिर से एक्टिव हो जाएंगे, फिर से आप तरोताज़ा हो जाएंगे और फिर से आप अपना जो आपका, जो आपके शरीर में असंतुलन हुआ था वो बैलेंस में आ जाएगा और आप फिर पहले की तरह आप एनर्जेटिक हो जाएंगे और आपके साथ जो भी होगा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आप दूसरों का भी भला करेंगे, दूसरों का भी अच्छा करेंगे और आपको गॉड आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, अच्छा करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए और खुद की भी मदद करने के लिए। इतना अच्छा रीडिंग निकल कर आया है गाइस, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। हाय सेकंड ऑप्शन, देखते हैं आपके लिए कौन सा चक्रा बैलेंस है या बैलेंस करने की ज़रूरत है या क्या आपको सही दिशा चुनने की ज़रूरत है। एस ऑफ रॉड्स, द एम्परर, द किंग, बहुत ही पावरफुल कार्ड आ रहे हैं गाइस आपके चक्रास के लिए, लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड निकल कर आए हैं गाइस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप का बताया जा रहा है कि जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना है, आपकी जो एनर्जी है गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है गाइस। यहाँ पे जो भी आप काम करिए सोच समझ कर करिए, थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं सही कार्य करने के लिए, यानी आप निर्णय जो हैं बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते हैं। जो कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोच समझ कर लेते हैं। जैसे एक किंग है, कोई भी कार्य करता है, कोई भी निर्णय लेता है तो वो सोच समझ कर लेता है। ठीक उसी प्रकार आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रूप में जा रही है और आपकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल रूप में आगे बढ़ रही है, जिसका आप बहुत सही सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका अनाहत चक्र जो है बहुत ही एक्टिव है गाइस, क्योंकि ये जब एक्टिव रहता है तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं कार्य करने के लिए, एक्टिव होने के लिए, और जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं गाइस उसको बैलेंस करने के लिए। आप किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो आपका
कोई भी पारिवारिक चीज़ें हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, उसमें आप बहुत ही खुश रहते हैं, आप दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो अनाहत अगर चक्र आपका बैलेंस है यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। ईश्वर ने आपको इतना ज़्यादा भाग्य से नवाजा है, क्योंकि एम्परर और किंग की एनर्जी आई है, तो आपका जो एनर्जी है गाइस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, सकारात्मक रूप में एनर्जी है। आपकी ऊर्जा जो है, आसपास की जो ऊर्जा है, बहुत ही पावरफुल है, पॉजिटिव है। यानी आप बहुत ही लकी पर्सन हैं जो चीज़ों को बदलने का क्षमता रखते हैं। आपके सामने कोई भी चीज़ रहेगा तो आप उसको बदल कर रख देंगे, यानी उसमें और भी अधिक अपना एफर्ट डाल के बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे ले जाएंगे, कार्यों को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, यानी सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे आप। ईश्वर ने वो आपको शक्ति दी है गाइज, जो किसी को ये आप महसूस नहीं होने देंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, चाहे उसमें आपका परोपकार हो, चाहे उसमें आपका अपना खुद का भी सेल्फ हो, लेकिन आप वो जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अनाहत चक्र बैलेंस होने पर व्यक्ति अपना अपनी चीज़ें जो है वो दूसरे के सामने नहीं रखता है, बल्कि अपने अंदर छुपा के रखता है, लोगों की मदद करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है, भले वो थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाए, तकलीफ में आ जाए या पीड़ा में आ जाए, लेकिन अपनी चीज़ें दूसरे के सामने नहीं रखता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने जो मन की भावनाएं हैं वो दूसरे के सामने रखें, थोड़ा सा अपने अपने अंदर भावनाओं को दबा के मत रखें। अगर आप अपने भावनाओं को दबा के रखेंगे तो फिर आपका उतना अधिक सक्सेस और सफलता नहीं हो पाएगा जितना कि आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, और ऐसी शक्ति आपको दिए हैं गाइस तो उसका इस्तेमाल करें, दूसरों को सही दिशा दिखाएं। आप दिखाते भी हैं दूसरों को सही दिशा दिखाते हैं, सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं, लेकिन आप खुद कभी कभी अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये कार्ड के द्वारा ये आ रहा है सेकंड ऑप्शन, आपके पास बहुत ही सकारात्मक चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा व्यक्त करना सीखें, थोड़ा सा अपने प्रति अवेयर हो जाएं, थोड़ा सा सेल्फ लव करें, जिससे कि आपका आगे विकास हो, वृद्धि हो। और आप दूसरों का तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप अपने लिए भी सोचें, अपने लिए भी कुछ करें, जिससे कि आप दूसरों का तो विकास आप करें, लेकिन आपका विकास जो है थोड़ा बहुत अवरोध हो रहा है, उस अवरोध को दूर करने के लिए थोड़ा सा आप सेल्फ लव करना सीखें, अपने आप को भी थोड़ा मनाना सीखें, अपने आप को भी प्यार करना सीखें, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ सुटेबल हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप यहाँ पे ये भी दिया जा रहा है गाइस कि जो शक्ति, जो आपको एनर्जी ईश्वर ने दी है, जो बैलेंस है, उससे आप सब लोगों को हेल्प करते हैं। अगर कोई दर्द में है, पीड़ा में है या तकलीफ़ में है, तो उसको दूर करने की आप पूरी पूरी कोशिश करते हैं इस एनर्जी के द्वारा, बैलेंस एनर्जी के द्वारा। एनर्जी आपकी बहुत ही पॉजिटिव है गाइस, तो उसका इस्तेमाल करिए, और कर भी रहे हैं आप, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, उनका कार्य कर रहे हैं, और दूसरों को प्यार भी दे रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए आप अपने सक्सेस की तरफ पहुँचें, सफलता की तरफ पहुँचें। और ईश्वर ने वो शक्ति आपको दी है गाइस, वो एनर्जी दी है जो शायद किसी को नहीं दिया, यानी आप में अंदर हीलिंग पावर है, आप दूसरों को हील कर सकते हैं। आपकी अनाहत चक्र इतना स्ट्रांग है गाइस कि आप थोड़े बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में ठीक हो जाते हैं। तो उन शक्तियों के द्वारा आप दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उनको हील करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तभी तो आपकी लाइफ जो है सुख समृद्धि, प्यार, आर्थिक स्थिति से बहुत ही ज़्यादा भरी पड़ी हुई। आप किंग की एनर्जी में हैं, आप एम्परर की एनर्जी में हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने प्रति थोड़े से
अपने आप को चूक कर देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ लव के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को भी ध्यान दें, अपने ऊपर भी ध्यान दें, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें थोड़ा, और साथ ही साथ आप दूसरों को तो कर ही रहे, ऐसे करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ लव की तरफ ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी चलेगी, सक्सेस की तरफ तो जा ही रही है। थोड़ा सा और अधिक बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप सन की, यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है गाइस, तो थोड़ा सा आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या सूर्य योगा कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको और भी अधिक इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा गाइस, और भी अधिक आपकी एनर्जी जो है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, जिससे कि आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी आप हील कर पाएंगे। यही रीडिंग थी गाइज। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।